अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रसेस। आउटलाइन जो इस लेक्चर का है वो है एनालिसिस ऑफ ट्रस, टाइप्स ऑफ ट्रस, पार्ट्स ऑफ ट्रस, एनालिसिस ऑफ परफेक्ट ट्रस, मेथड ऑफ जॉइंट्स विद एग्जांपल्स। इंट्रोडक्शन। ट्रस बेसिकली हमारे पास असेंबली होती है जिसमें दो से ज़्यादा मेंबर्स को हम जब कंबाइन करते हैं तो उससे एक रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है। ट्रस जो है बेसिकली हमारे पास टू फोर्स मेंबर्स हैं, या तो मेंबर कंप्रेशन में होगा या टेंशन में होगा या तो उसमें कोई फोर्स ही नहीं होगी। ट्रस एनालिसिस से मुराद ये है कि हम किसी भी मेंबर में क्वांटिटी मालूम करें और उसके साथ साथ नेचर मालूम करें। नेचर ऑफ फोर्सेस से मुराद ये है कि उसमें कौन सी फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है या टेंसाइल फोर्स है। एनालिसिस ऑफ ट्रस में एक बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि लोड जो है वो हमेशा जॉइंट्स पर ही अप्लाई किए जाते हैं। इस तरह से आप ये एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, ये एक ब्रिज की एग्ज़ाम्पल है आपके पास, जिसमें इस तरह के डायगनल मेम्बर्स हैं जो कि एक रिजिड फ्रेम बन जाता है इनको आपस में मिलाने से। ये आप देख सकते हैं इंक्लाइंड मेंबर हैं, एक ख़ास जाविये के साथ हॉरिजॉन्टल मेंबर के साथ ये एंगल बना रहा है। इस तरह बिल्कुल इस तरह आपके पास एक ये फ्रेम है। बेसिकली ट्रसेस का इस्तेमाल जब शुरू हुआ तो इसका मकसद ये था कि लार्ज स्पेन जो हों तो उनको उनमें आप इनको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास स्पेन काफ़ी ज़्यादा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेन है विदाउट एनी सपोर्ट, तो हम लोग ट्रस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रस की जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मटेरियल्स अगर हम देखें तो दो तरह की हैं। एक है वुडन ट्रस्ट। वुडन ट्रस्ट बेसिकली हमारे पास जो ट्रस होता है उसमें हम सारा जो मेंबर्स होते हैं वो वुड से बने हुए होते हैं और उनको फिक्स जो है वो स्टील पैनल्स या बोर्ड्स के साथ किया जाता है। इसकी एग्जांपल किंग पोस्ट ट्रस्ट है और किंग क्वीन पोस्ट ट्रस्ट है। इसी तरह हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें सारे मेंबर जो हैं वो स्टील से बनाए जाते हैं और उनको मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल प्रेट ट्रस एंड वॉरन ट्रस हैं। ये टाइप्स आप देख सकते हैं, ये वुड ट्रस की एग्जांपल्स हैं दो और ये आपके पास स्टील ट्रस हैं। बेसिकली वुड ट्रस में भी अगर आप इनमें डिफरेंशिएट करें तो आपके पास यहाँ पे दो इंक्लाइंड मेंबर्स हैं, यहाँ पे आपके पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है। स्टील ट्रस में अगर आप देखें तो उसका शेप काफ़ी चेंज है, यहाँ पर इंक्लाइंड मेम्बर्स हैं और दो इस साइड पर इंक्लाइंड मेम्बर्स हैं, दो इस साइड पर। वॉरन ट्रस का भी शेप चेंज है एज कम्पेयर टू प्रेट ट्रस। दीज टू आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टील ट्रसेज, वायर दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वुड ट्रसेज। पार्ट्स ऑफ ट्रस को समझना बहुत ज़रूरी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस सेंटर इज नॉन एज नॉमिनल स्पेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस फेस इज नॉन एज क्लियर स्पेन। हॉरिजॉन्टल मेंबर जो ट्रस का होता है उसको बॉटम कॉर्ड कहा जाता है। एपेक्स हमारे पास सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। राइज इज एक्चुअली द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम कॉर्ड टू द एपेक्स पॉइंट। यहाँ पे आपके पास एक प्लेट लगी होती है जिसको गजेट प्लेट भी कहा जाता है। ये सारे पिन कनेक्टेड होते हैं तो इस वजह से इसको जॉइंट्स या नोड्स भी कहते हैं। ये दो आप लोगों को जो मेंबर नज़र आ रहे हैं ये पोर्लिंस कहलाते हैं, ये आपके पास वेब्स हैं और एक्चुअली ये आपके पास जो साविया बना रहा है इसको पिच कहा जाता है। एनालिसिस ऑफ परफेक्ट ट्रस। परफेक्ट ट्रस हम से मुराद ही है कि आपके मेंबर्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तीन हैं तो इस इक्वेशन से भी तीन आना चाहिए। अगर ये बराबर होंगे तभी परफेक्ट ट्रस कहलाया जाएगा, वरना परफेक्ट ट्रस नहीं होगा। एम से मुराद मेंबर्स हैं, जे से मुराद जॉइंट्स हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के ज़रिए से हम ट्रस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जितनी भी डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसको इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के साथ ही सॉल्व किया जा सकता है।
एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई एम, और अगर वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर उनको इनडिटर्मिनेट मेथड्स के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को कंसिडर करेंगे, जब टूवर्ड द जॉइंट फोर्स लगेगी तो हम उसको कंप्रेशन कहेंगे और नेगेटिव साइन, और जब जॉइंट से अवे फोर्स लगेगी तो उसको पॉजिटिव या फिर टेंशन कहा जाएगा। मेथड्स ऑफ एनालिसिस जो है वो हमारे पास दो तरीके के हैं। एक है मेथड ऑफ जॉइंट, जिसमें हम लोग एक एक जॉइंट को लेकर उसके साथ जो अटैच मेंबर्स हैं उनमें फोर्सेस का नेचर और क्वांटिटी मालूम करेंगे। बिल्कुल इसी तरह मेथड ऑफ सेक्शन में भी, लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन में हम लोग ट्रस को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। एक एग्ज़ाम्पल है आपके पास, ये एक दो तीन मेंबर्स हैं, 1 2 3 आपके पास जॉइंट्स है, ए बी सी 30 डिग्री एंगल पे हैं। टॉप पे लोड अप्लाइड है 100 kg, आपको कहा है कि आपने इन मेंबर्स में फोर्सेस का नेचर एंड क्वांटिटी मालूम करनी। सबसे पहले स्टेप जो है वो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर हमारे पास सिमेट्रिकल है चूँकि, तो लोड को हम 2 पे डिवाइड करके 50 kg लोड सपोर्ट्स पे आ जाएंगे। अब हम जॉइंट सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल जॉइंट ए मैंने सेलेक्ट कर लिया है, उसमें ड्यू टू इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल ऊपर आपके पास अपर फोर्स 50 kg है, तो ये बैलेंस करने के लिए 50 kg लोड डाउनवर्ड अप्लाइड करना होगा। सो हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, इसमें एफ ऑफ वाई जो है वो आपके पास ये मेंबर है, इसके साथ एफ ए सी या इंक्लाइंड साइन 30 आपके पास एंगल। बेसिकली वेक्टर रिजोल्यूशंस की जो हम करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, वही इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग वैल्यू जो पुट कर लेंगे, 100 kg कंप्रेशन में लोड इस मेंबर में आएगा। इसमें अगर वही जॉइंट है उसमें हम लोग अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स मालूम करेंगे कि इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कितना है, तो उसके हॉरिजॉन्टल इक्वेशन हम लोगों ने अप्लाई कर ली है, विच इज़ एफ ऑफ एफ ए बी एक्स इंटू एफ ए बी कॉस 30। ये 100 है हमारे पास, मल्टीप्लाई करके 86.6 kg लोड इस साइड पे अप्लाइड है। फॉर इक्विलिब्रियम जब हमारे पास फोर्स इस तरफ होगी तो इस मेंबर में उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगी, जैसे कि इस इधर है अपवर्ड 450, डाउनवर्ड 450, तो वर्टिकल वर्टिकल कैंसिल आउट होगी, जॉइंट पे जीरो फोर्स, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस आउट हो जाएगा फ्रॉम दिस मेंबर, और जो कि है हमारे पास 86.6 kg इन टेंशन। जॉइंट सी हम लोग ले लेंगे, हमारे पास जॉइंट सी एक्चुअली अगर आप देखें तो इस डायग्राम में यहाँ पे मौजूद है सी, इसमें फ़िलहाल मैंने सी ले लिए, तो सी में अपवर्ड फोर्स बैलेंस हो जाएगा फ्रॉम द डाउनवर्ड फोर्स। इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक वर्टिकल कंपोनेंट है, दिस इज़ आल्सो अ वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज़ 100 kg फोर्स इन kg। इसको रिजॉल्व किया गया है यहाँ पे, इसको रिजॉल्व किया गया है यहाँ पे, और ये 100 kg वेस। इसमें हम लोग ये वाला कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, ये साइड पे कर लेंगे, इसमें 100 से ये सारी इक्वेशन माइनस करके हमारे पास मेंबर में फोर्स का पता चल जाएगा, विच इज़ 100 kg इन कंप्रेशन। सो इसका अब हमारे पास एक पूरा जो डायग्राम बन जाएगा, जिसमें हमें अभी नेचर का भी पता चल गया है, नेचर से मुराद ये मेंबर कंप्रेशन में है, ये मेंबर भी कंप्रेशन में है, और ये मेंबर हमारे पास टेंशन में है, और इसमें क्वांटिटी ए बी जो है उसमें हमारे पास 86.6 kg फोर्स लग रही है, ए सी में 100 kg है, बी सी में भी 100 kg लोड।